दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने सालों बाद भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हराकर पूरे क्रिकेट जगत में बचाया डंका और रच दिया नया कीर्तिमान, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे और फिर दे दिया टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कुछ ऐसा बयान जिसको सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिरकार किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ मजाक उड़ाते हुए टीम इंडिया को लेकर कहा, कैसे 3 दिन में ही खत्म हो गया अंतिम टेस्ट मैच, दिग्गजों का वो बयान तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का अंतिम मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। जडेजा ने 5 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की टीम को 235 रनों के ही स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में उतरी भारतीय टीम भी कुछ खास नहीं कर सकी। भारत की पूरी टीम 263 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस इनिंग में टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने 90 रनों की पारी खेली, तो वहीं पंत ने 60 रन जोड़े। जब न्यूजीलैंड को दूसरी इनिंग खेलने का मौका मिला तो एक बार फिर से रविंद्र जडेजा का जलवा देखने को मिला। 5 विकेट उखाड़कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। वहीं अश्विन ने 3 विकेट लिए और न्यूजीलैंड की टीम को 174 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया को जीतने के लिए अब केवल 147 रनों की जरूरत थी। हर किसी को भारतीय टीम से जीत की उम्मीद थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि न्यूजीलैंड गेंदबाज किस तरह से पलटवार करने वाले हैं। एजाज पटेल और मैट हेनरी ने मिलकर मैच को पलट दिया। रोहित से लेकर जायसवाल, यहां तक कि कोहली और सरफराज के साथ साथ शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर सके। केवल 29 रनों के स्कोर पर भारत के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने अकेले ही मैच को पूरी तरह से पलट दिया। चौके छक्के लगाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन लंच ब्रेक के बाद ऋषभ पंत भी अपना विकेट खो बैठे और फिर क्या, न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को बड़े ही आसानी से 121 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस मुकाबले को भी 25 रनों से अपने नाम कर लिया और टीम इंडिया को सीरीज 3-0 से हरा कर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बचा दिया। सीरीज में भारत की शर्मनाक हार देखकर पूरा स्टेडियम निराश हो गया। वहीं भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया, साथ ही साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया। लेकिन वहीं न्यूजीलैंड सीरीज जीतने का जश्न मना रही थी, साथ ही उनके बड़े बड़े दिग्गज भी खुशी से झूम रहे थे और फिर टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि इनके दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रॉस टेलर ने टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया, जैसी उम्मीद थी वैसा ही खेल हमारी टीम ने दिखाया। भारत में सीरीज जीतकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हमारा सपना था कि भारत में सीरीज जीतना, आखिरकार वो पूरा हो गया। भारतीय टीम बहुत कमज़ोर हो चुकी है। रोहित कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो ये चैंपियनशिप का फाइनल भी नहीं खेल पाएंगे। तो वहीं ब्रेंडन मैक्यूलम ने भी मजाक उड़ाते हुए रोहित कोहली को लेकर कहा कि भारतीय खिलाड़ी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, टीम का ऐसा खराब प्रदर्शन हमने आज तक नहीं देखा था। भारतीय टीम पूरी तरह से फ्लॉप चल रही है। हमारी टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सभी खिलाड़ियों को इस सीरीज जीतने की बहुत बहुत बधाई। भारत को उनके घर में हराना आसान नहीं था, लेकिन हमारे लड़कों ने कर दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। रोहित कोहली का प्रदर्शन बेहद खराब चल रहा है। इन को संन्यास ले लेना चाहिए, युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। भारत ने अपनी कन्नी काट ली, लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ करनी होगी। उन्होंने अकेली लड़ाई भले लड़ी, लेकिन जीत नहीं दिला सके, मगर वो हर किसी का दिल जीत लिया है। यहाँ तक कि दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि टीम इंडिया बेहद कमज़ोर टीम बन चुकी है, हमने इस टीम से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। भारतीय टीम बड़े ही आसानी से सीरीज हार गई, उनके किसी भी खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, हमारे खिलाड़ियों ने लाजवाब खेल दिखाया। मिशेल सेंटनर, एजाज पटेल की तारीफ करनी होगी। टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि हम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगे। साथ ही साथ ऋषभ पंत को भी दाद देनी होगी, उन्होंने अपनी टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन दिखाया। यही नहीं दोस्तों, स्टीफन फ्लेमिंग का मानना है कि मैच में जीत और हार लगा रहता है, हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाया, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया, टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। भारत इतनी कमज़ोर टीम है, हमने सोचा भी नहीं था। हमारी टीम ने उनके घर में घुसकर हराया, कई सालों बाद हमने सीरीज जीती, हमारा सपना पूरा हुआ, वहाँ पर सीरीज जीतना, आखिरकार वो पूरा हो गया। अब हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भारत बहुत मजबूत टीम है, लेकिन हमारी टीम ने उन्हें हराया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या टीम इंडिया जीत दर्ज कर पाएगी? नीचे अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। धन्यवाद। टीम न्यूजीलैंड को जिताकर फूट फूट कर रो पड़े रचिन रविंद्र, लेकिन फिर अपना ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने जूनियर सरफराज के नाम करते हुए रोहित कोहली के लिए कुछ ऐसा कह गया है। ये न्यूजीलैंड का सितारा सुनकर तो आपके भी दिल में भी उनके लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिरकार क्यों उन्होंने अपना अवार्ड सरफराज, रोहित और धोनी को समर्पित कर दिया? उनका वो बेशकीमती बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रचिन रविंद्र, सरफराज और ऋषभ पंत में कौन सबसे खूंखार युवा सितारा है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत को भारत में घुसकर न्यूजीलैंड ने जो धोया है वो पूरी दुनिया देखती रह गई है, और ये सब पॉसिबल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की वजह से ही नहीं बल्कि एक भारतीय की वजह से ही हो पाया है। जी हाँ, रचिन रविंद्र जब इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है, हर तरफ केवल उनके नाम की ही चर्चा है। यहाँ तक कि अब तो इस खिलाड़ी ने अपने दम पर वो करिश्मा कर दिया जो न्यूजीलैंड के बड़े बड़े सितारे पिछले 36 साल में नहीं कर पाए थे। उन्होंने अकेले इस बैंगलोर टेस्ट में शतक मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई और पूरी दुनिया को बताया कि उनकी रगों में एक हिंदुस्तानी का ही खून है।
जी हाँ दोस्तों, 46 पर टीम इंडिया ऑल आउट तो हुई थी, लेकिन जवाब में भारतीय गेंदबाजों को बेदम किया था रचिन रविंद्र ने, जब इस खिलाड़ी ने अकेले ही अपने बल्ले से 134 रन ठोक डाले थे। उसी की वजह से न्यूजीलैंड टीम इंडिया पर 356 रनों की लीड लेने में कामयाब हुई। तो अब चौथी पारी में भी बिखरती हुई न्यूजीलैंड को रचिन रविंद्र ने ही संभाला। विलियम के साथ मिलकर मैच विनिंग पार्टनरशिप की और अंत तक नाबाद रहते हुए 6 खतरनाक चौकों की बदौलत टेस्ट को T20 बनाते हुए 39 रन बना डाले। अब इतना मददगार, इतना दमदार प्रदर्शन कोई करेगा तो उसकी तारीफ तो बनती ही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के दम पर न्यूजीलैंड भारत को 36 साल बाद हरा पाई है, टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड ले पाई है। ऐसे में रचिन रविंद्र को भी उनकी मेहनत का इनाम मिला है। जी हाँ, उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, वो भी उनके बचपन के घर चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उन्हें बहुत प्रिय है। उनका यहाँ से एक बेहद ही खास रिश्ता है, तभी तो ये अवार्ड पाने के बाद ये खिलाड़ी बेहद भावुक हो उठा है। लेकिन अपनी इस भावुकता में उन्होंने ऐसा महान काम कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, उन्होंने तो अपना ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सरफराज के साथ शेयर करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सरफराज ने भी शानदार पारी खेली है, मैं अपना ये अवार्ड अपने छोटे भाई के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो कमाल का खिलाड़ी है, मुझे उसकी बैटिंग खूब पसंद आई। उनके इस अनमोल शब्दों ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्होंने सरफराज को जो खास तोहफा दिया इस टेस्ट को मैच को, उन्होंने बेहद यादगार बना दिया। तो इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने तो रोहित कोहली और हिंदुस्तान के लिए कई अनमोल शब्द भी। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में बताया कि सच में मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं अपनी टीम को जीत दिला पाया हूँ, वो भी अपने ही घर में, अपने ही लोगों के सामने। जब मैंने सेंचुरी मारी थी तब लोगों ने मुझे खूब चीयर किया था, बावजूद उसके मैं न्यूजीलैंड से खेल रहा हूँ, मुझे यहाँ खूब प्यार मिला, इसकी मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। रोहित भाई और कोहली भाई ने भी मुझे बधाई दी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, वो दोनों तो महान है, उन जैसा हर कोई बनना चाहता है। वो मेरे पास आए, सच में वो मेरे लिए सबसे खास लम्हा था। हाँ, हो सकता है मेरी वजह से टीम इंडिया हार गई हो, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा एक भारतीय ही रहूंगा जो अपने देश से बहुत प्यार करता है। मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आईपीएल के दौरान चेन्नई में मैंने जो प्रैक्टिस की थी उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। सच में इंडिया की हर एक सिटी ग्रेट है, यहाँ जितना वक्त बिताओ उतना ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सच में रविंद्र ने अपने बयान से सबका दिल जीत लिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कहते हैं कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भारत का उड़ाया मजाक, अगले मैच के लिए बड़ी धमकी देते हुए किया सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार मिल गई है, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भारत का मजाक उड़ाया है। इस बीच केन विलियमसन, कप्तान टॉम लेथम से लेकर रचिन रविंद्र देवोकानवे ने भारतीय टीम को धमकाने के बाद एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को सबसे ज्यादा परेशान कर पूरी तरह से हराया है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिल गई है। दरअसल इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 46 रन पर ऑल आउट कर दिया था, जिसमें मैट हेनरी ने 5 और विलियम्स ने 4 विकेट चटके। तो वहीं इसका पीछा कर रही न्यूजीलैंड ने 402 रन रचिन रविंद्र के 134 और कानवे के 91 रनों के दम पर बनाए। तो वहीं भारतीय टीम को 462 रन पर विलियम और मैट हेनरी के 3-3 विकेट के चलते रोक दिया और भारतीय टीम ने 107 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया, जिसको विल यंग की तूफानी पारी के चलते न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम की जीत के बाद खिलाड़ियों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रचिन रविंद्र ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ इस मैच में जीत दर्ज करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, जिस प्रकार से हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ पूरे तरीके से दबदबा कायम कर जीत दर्ज करने वाला कार्य किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने जीतने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ऐसा कार्य आज पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है और भारतीय टीम की पहली पारी में खराब पारी के चलते भारत को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब एक बार फिर से भारतीय टीम दूसरे मैच में हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं डेवोन कानवे ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर काफी बुरी तरीके से हमारी टीम ने हरा दिया है, जिस प्रकार से हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, उसको देखकर भारतीय टीम
बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम को लग रहा था कि इस मैच में हमारी टीम भारत के खिलाफ बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने खराब प्रदर्शन करते हुए सभी को निराश कर दिया है, तो वहीं भारतीय टीम को परेशान करने के लिए आगे भी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम अब हमारे खिलाफ अंतिम मैच में हार के लिए तैयार रहे। तो वहीं कप्तान टॉम लेथम ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जिस प्रकार से हमारी टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, उसी के चलते हमें जीत मिल गई है।